लगे रहो फोन में लगे रहो। मैं स्टूडेंट, इससे हमारे पॉकेट मनी पे काफ़ी असर पड़ेगा क्योंकि हमें लिमिटेड ही पॉकेट मनी मिलती है और जैसे कि मिडिल क्लास लोगों के लिए तो काफ़ी इसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा ये, क्योंकि जियो आ गया है और उसके मुकाबले में जियो ही ज़्यादा यूज़ कर किया जाता है और एयरटेल ने रेट बढ़ा दिए हैं। हाँ जियो ने अभी वो था 3 मंथ का कंसेशन, अभी तो मेरा वही चल रहा है, बाकी वो भी अच्छा नहीं है। अगर आप फैसिलिटीज़ दे रहे हो तो आपको अच्छी तरीके से फैसिलिटीज़ और भी सबको देख कर देनी चाहिए एंड श्योरली पड़ेगा फ़र्क इस पर। तो मैम बहुत असर पड़ेगा अगर इवन मैं वोडाफोन का बात करूँ, वोडाफोन का तो करीब 42% उसने रेट इंक्रीज़ किया है, तो हमारी जेब खर्ची बढ़ने वाली है। पहले जियो ने आदत डाल दी है लोगों की फ्री में अनलिमिटेड बात करें, नेट व्हाट्सअप जो भी यूज़ करना है, बट अभी कहीं ना कहीं ट्राई के रूल के अकॉर्डिंगली पहले जियो ने बढ़ाया, अब बाकी वोडा एयरटेल सारी कंपनियों ने बढ़ाया है, तो ऑलमोस्टली लोगों को जेब खर्चे बढ़ने वाले हैं, जो खर्चे हैं वो इधर से उधर हो गए, लोग डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। ऐसा जी, पहले तो इन्होंने रेट इतने डाउन कर दिए थे कि लोग इसके यूज्ड हो गए थे। अभी जियो ने जो इनका फ्री प्लान था उसमें इन्होंने जियो टू जियो तो फ्री है, चार्जेबल थे, तो वो कॉम्पिटिशन के चक्कर में एयरटेल और आइडिया ने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं, तो इससे तो ये है कि ग्राहक पे बोझ ही बढ़ेगा कि जो स्पेशल रिचार्ज कराते थे अब अलग से 50-100 का रिचार्ज करना पड़ेगा। एक्चुअली जो अभी रेट बढ़ रहे हैं ना जो अभी हमारा, तो उससे कस्टमर को फ़र्क पड़ेगा। एक्चुअली मैं भी देखूँ तो मैं भी एक कस्टमर की तरह हूँ, जब मेरे को एक चीज़ की आदत पड़ चुकी है कि मेरे को 399 में इतना पैकेज मिल रहा है, मैं रात भर बात कर सकता हूँ, रात भर चैट कर सकता हूँ, कंटिन्यू अपने कलीग से कनेक्टेड रह सकता हूँ, तो लेकिन वो बढ़ जाएंगे तो मैं उनसे बात नहीं कर पाऊँगा, एक मेरे लिए फाउंडेशन हो जाएगी कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उस चीज़ की तरफ मतलब जाना कम कर दूंगा, और उससे मार्केट को भी बहुत फ़र्क पड़ेगा।